कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए छतरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में लगातार जारी है योगा व ध्यान सत्र। अब तक 1000 मरीज हो चुके पूरी तरह से ठीक। नमस्कार, सिटी मैम में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। एक बार फिर से राधा स्वामी सत्संग व्यास छतरपुर स्थित सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर से 1000 मरीज स्वस्थ होकर लौटे अपने घर। मरीजों ने स्वस्थ होने पर साझा किया अपना एक्सपीरियंस जम करके। राधा स्वामी सत्संग व्यास सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की सराहना। ठीक हुए मरीजों को आईटीबीपी के कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से विदाई भी दी। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में छतरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में भर्ती सभी संक्रमित मरीजों की देखभाल में आईटीबीपी की टीम व सेवादार दिन रात लगे हुए। इतना ही नहीं, मरीजों को स्वस्थ करने के लिए रोजाना आईटीबीपी के स्ट्रेस काउंसलर सभी मरीजों को योगा व ध्यान भी कराते हैं, जिसकी एक वीडियो आज सुबह ही आईटीबीपी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए शेयर की है। देखिए वीडियो। योगा में ध्यान सत्र करने से मरीज तनाव से मुक्त तो होता ही है, इसके साथ ही वह सकारात्मक सोच से भी प्रोत्साहित होता है। आपको बता दें कि यहाँ भर्ती मरीजों की रिकवरी दर बहुत ज्यादा है। हाल ही में आईटीबीपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए एक वीडियो साझा की, जिसमें मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। आईटीबीपी ने लिखा, फरवरी 2020 के बाद फिर से बढ़ते मरीजों को देखते हुए राधा स्वामी सत्संग व्यास छतरपुर स्थित सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर को फिर से मरीजों को चिकित्सा सेवा देने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें अब तक कुल 1000 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। सभी मरीजों के डिस्चार्ज होने पर आईटीबीपी की टीम राधा स्वामी सत्संग व्यास के सेवादारों ने मरीजों को एक अनोखे तरीके से तालियां बजाकर आत्मविश्वास से प्रोत्साहित कर विदाई दी। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में मरीजों की देखभाल कुछ इस तरह की जा रही जो काबिले तारीफ है। मरीजों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिली। वहीं यहां भर्ती कुछ मरीजों ने तो आईटीबीपी द्वारा जारी की गई वीडियो में अपना कोरोना से संक्रमित होने और स्वयं की ऑक्सीजन लेवल की गंभीर व्यवस्था से लेकर पूरी तरह से स्वस्थ होने पर अपना एक्सपीरियंस भी साझा किया और कहा कि सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में दी जा रही चिकित्सा सेवा आरएसएसबी के सेवादारों द्वारा देखभाल से मरीज जल्द से रिकवर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के खुले वातावरण, आईटीबीपी की टीम द्वारा लगातार दी जा रही चिकित्सा सेवा के अलावा योगाभ्यास सेवा, राधा स्वामी सत्संग व्यास के सेवादारों द्वारा की जा रही देखभाल, खाने पीने वेलनेस सुविधा सेवा की यहां भर्ती सभी मरीजों ने तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। देखिए ये वीडियो। मेरा नाम हनुमान प्रसाद वर्मा है और मैं गुड़गांव है ना महिंद्रा ओरा से आया था और मुझे 14 तारीख को अराउंड 1 बजे मेरे को है ना ऑक्सीजन फाल हुआ और ये फाल होते होते 89-88 तक पहुंच गया। तो मैं पैनिक हो गया इमीडिएटली, फिर है ना मैं लड़के को बोला मुझे है ना छतरपुर ले चलो। तो मैं फिर है ना यहाँ पर आया, करीब 2 बजे आया मैं यहाँ पर और मुझे यहाँ एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं हुई और हर स्टेज पे मुझे कोई पूरा कोऑपरेशन मिला और तुरंत मुझे यहाँ पर एडमिट करके पहले तो वो एम्बुलाइजर से मेरे को है ना ऑक्सीजन थोड़ा सा बिल्टअप हुआ और उसके बाद है ना मैं मेरे को है ना सिलेंडर लगाया। सिलेंडर लगाने से मेरा जो ऑक्सीजन फाल हो रहा था वो है ना रिटेन कर गया और तुरंत ही है ना 2-3 घंटे के अंदर मुझे मेरा है ना 94 तक का है ना सेट हो गया। मुझे ये कोविड सेंटर नहीं है, ये तो मुझे बहुत बड़ा
हॉस्पिटल का अनुभव हुआ है और क्योंकि यहाँ पे कमी नहीं नजर नहीं आ रही और बहुत हर तरह से डेडिकेटेड जो डॉक्टर्स है यहाँ पर हर तरह से आकर के है ना देख रहे हैं मुझे और किसी भी तरह की मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये कोई है ना जस्ट एक लो प्रोफाइल सेंटर है। तो ये तो मैं ये कहूंगा कि मेरा किस्मत अच्छा था कि मैं यहाँ आ गया और मैं बच गया और ऐसे अभी तक भी है ना मेरे को पूरा ट्रीटमेंट दे दिया है, मुझे है ना ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, मुझे कहा गया है कि है ना परसों आपको डिस्चार्ज कर देंगे और तब तक आप है ना आराम करिए। और बहुत बहुत है ना ITBP और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी इसमें मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, चाहे डॉक्टर हो चाहे मेडिकल पैरामिलिट्री या पैरामेडिकल स्टाफ हो ऑफिशियल्स हो, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। अभी के लिए इतना, एक बार फिर हाजिर होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राधा स्वामी सत्संग व्यास से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।